हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम EVS NCERT की समरी देखेंगे, यानी कि EVS NCERT की जो हमने पैडागोजी देख लिया है। पहले आपको पैडागोजी की क्लास मिल चुकी है, अब देखेंगे EVS NCERT के जो आपकी समरी होती है और जो आपका 15 नंबर का आता है सेक्शन, वो हम देखेंगे, यानी कि NCERT की समरी देखेंगे। आपको पता है 15 नंबर की पैडागोजी आती है और 15 नंबर की थ्योरी क्लास आती है, जो आपकी NCERT की जो बुक है उससे आती है, यानी कि कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 से आती है। तो ये आपको बुक जो आपको पता है कि EVS की बुक है, आपको अगर लेनी चाहते हो तो आप ले सकते हो। चलिए तो आज हम देखेंगे कक्षा 3 का। कक्षा 3 में भी चैप्टर वाइज देखेंगे, यानी कि धीरे धीरे से हम चैप्टर वाइज चलते रहेंगे कि जिससे आपको सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो पार्ट 1 देखते हैं, डाल डाल पर और ताल ताल पर जो चैप्टर है, इसमें क्या है, जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं और कुछ रेंगते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चैप्टर में ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, पौधों की पारी, यानी कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंता लेकर इंदौर मध्य प्रदेश के थे, सूखे पत्तों से यानी पत्तों से बढ़िया चित्रकारी बनाते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहता हूँ मैं आपको ये बुक ले लीजिए, आपको अगर बुक लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसकी कीमत रखी गई है 100 रुपये, और इससे बाहर आपका EVS का कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि EVS की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप EVS के नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो इससे महंगे महंगे मिलेंगे, आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। चलिए पार्ट 3 में देखते हैं, पार्ट 3 में क्या इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 में पानी रे पानी के तो अब देखते हैं, यानी कि तीसरा चैप्टर है आपका पानी रे पानी में आपको पता होना चाहिए पानी के स्रोतों के बारे में आया गया है चैप्टर में। पानी के स्रोत कौन कौन से, झील है, कुआ है, तालाब है, झरना है, नदी है, नहर है, ट्यूबवेल है और नल और या नलकूप है, ये आपसे इस चैप्टर में बताया गया है, यानी कि तीसरे चैप्टर यानी कक्षा 3 के तीसरे चैप्टर में ये बताया गया है। कक्षा 4 का जो चैप्टर है हमारा पहला स्कूल, यानी पहले स्कूल के बारे में बताया गया, तो बालक का पहला स्कूल उसका परिवार होता है, तो ये ध्यान रखना जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और EVS और SST का आपका पैडागोजी हो गया या फिर आपका थ्योरी सेक्शन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, CD पे में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, हिंदी में भी पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन है CTET का, ये आपको पता होना चाहिए, ये जो बालक का जो पहला स्कूल होता है वो होता है परिवार। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है पार्ट 5, छोटा सा घर, यानी छोटू का घर। तो छोटू का घर क्या है, चूहें में देखने की क्षमता कम है परंतु सूंघने की, छूने की और स्वाद लेने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी गई थी, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं CTET में, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए पार्ट 6 में देखते हैं, खाना अपना अपना, तो खाना अपना अपना में क्या है, हांगकांग में सांप खाया जाता है, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, सबको पता है, हांगकांग में के जो ली वू के मशहूर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ मैच द फॉलोइंग में आपको मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाता है, जब खाने की जो सेक्शन आता है तो उसमें पूछा जाता है। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यानी कि ऐसे पूछ लिया जाता है, होंग कोंग गोवा ऐसा पूछा जाएगा, फिर आपको इधर दे दी जाएंगे तो आपको मैच अप करने होते हैं। गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं, केरल के लोग नारियल और दैनिक का महसूस करते हैं, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, मशहूर है। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 7 में देखते हैं, बिना बोले बात, तो ये क्या है, जो बच्चे या व्यक्ति बोल नहीं सकते वह संकेत की भाषा से अपनी बातों को प्रकट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपको CDP में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 8 में देखते हैं, पंख फैलाए उड़ते जाए, यानी कि चिड़ियाओं के बारे में है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो यानी आपको पता है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, और वो करती क्यों है, देखने के लिए, यानी कि जो उसकी पुतली होती है, आपको पता है कि पक्षी जो होते हैं जो झटके से आगे पीछे घुमाते हैं गर्दन, आपको लगता है कि वो इधर उधर घुमा रहे हैं, पर नहीं, वो अपने आसपास देखने के लिए घुमाते हैं।
उल्लू अपनी गर्दन पीछे यानी कि पीछे तक घुमा सकता है, और जो उल्लू होता है वो आपने देखा होगा पूरे अपनी गर्दन घुमा सकता है। पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्मी करते हैं, जैसे आपको पता है कि जो कुत्ते का जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको गर्म प्रदान करते हैं, और जो उसकी नाक होती है उस पर ठंडी लगती है, तो इसलिए वो अपनी नाक को अपने यानी सिकोड़ के अपने अंदर दे के बैठता है। ये सबको पता है, तो जितने भी एक तरह से पढ़े लिखे लोग हैं और पुराने लोगों को पता है। बादल आया बारिश लाया, तो बादल आया बारिश लाया इसमें क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, इंद्रधनुष के रंग यानी कि इंद्रधनुष के रंगों के बारे में पता होना चाहिए, और आपको रंग यानी कि विबग्योर जो है आपका पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामनी और बैंगनी, ये आपको कलर पता होने चाहिए। ये चलिए आगे चलते हैं, 10वां चैप्टर यानी कि आज ये यहाँ तक ये देखते हैं, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें आपको परेशानी ना हो, आपको सारे चैप्टर हमें 10-10 करके सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलिए पार्ट 10 यानी कि पार्ट 10 में क्या है, पकाए और खाएं, रोटी बनाने के क्रम यानी कि रोटी बनाने का क्रम पूछा गया है, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए रोटी बनाने का पूछ लिया जाता है, एक चाय बनाने का यानी कि इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है जिससे आपको डेली लाइफ के बारे में भी कुछ कुछ पता हो। तो रोटी बनाने के क्रम में क्या है, रोटी का यानी कि आटे को बनाने बर्तन में निकाले, उसे गूंदे, आटे के छोटे छोटे गोले बनाए, गोले को बेले और फिर सेके, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो 10 चैप्टर हमने पढ़े आज आपने कक्षा के यानी कक्षा क्लास थर्ड के NCERT EVS का जिसकी हमने समरी पढ़ी उसमें क्या है आपके ये चैप्टर है। आगे के जो चैप्टर हैं कल जो हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ से वहाँ, तो यहाँ से वहाँ पर हम पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा आपको सारे के सारे NCERT के नोट्स मिल जाएंगे। और जिसे भी NCERT के नोट्स लेने हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है NCERT के नोट्स प्लस यानी कि NCERT के नोट्स प्लस जो EVS की पैडागोजी है वो आपको एक ही जगह मिलेगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये EVS की NCERT के नोट्स हैं, और इससे पहले आपको पैडागोजी कंप्लीट कराएगी, और पैडागोजी में आपके 15 से 15 नंबर का वादा है, क्योंकि उसके जो नोट्स हैं वो सारे के सारे वही नोट्स हैं जो क्या ना आपके क्वेश्चन आते हैं, और NCERT के नोट्स में 15 नंबर आपका वादा है, क्योंकि इसमें से ही आपका पेपर मिलता है, क्योंकि आपके NCERT के नोट्स हैं तो NCERT के नोट्स में आपको सारा का सारा वही मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो अब आपके NCERT के नोट्स शुरू हो गए हैं, तो आपको क्या करना है इसे लिखते चल जाना एक कॉपी में, और नहीं अगर आप लिखना चाहते हैं और आपको कहना इतनी जरूरत नहीं करनी, तो आपको 100 रुपये की कीमत पर आपके नोट्स दिए गए, और आपको लेना क्या है, जैसे ही आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आपको क्या करें पेमेंट करनी है, पेमेंट करते ही आपके पास बुक का पहुंच जाएगी। अगर किसी के पास नहीं पहुंचे तो व्हाट्सएप के नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए अपने स्लिप को, आपका तुरंत के तुरंत आपका बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।